आज पूरा पेंट करके जाएगी ना, मेहनत लग रही है दीवार को पेंट करने में, खुल गई है और यहाँ पर बैठी भी फ्रेंड, मतलब जो पड़ोसी पड़ोसी वाली फ्रेंड होती है ना। वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग्स, और मैं हूँ रिचा। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मैं कर रही हूँ नीचे से। आई हुई है यहाँ पर मेरी मम्मी और घर को पेंट करने के लिए आई है ना मम्मी। घर कर पूरा पेंट कर लिया। मेरी मम्मी को हर काम करना बहुत अच्छा लगता है। मीन्स ऐसा बोला जाए ना तो मेरी मम्मी एकदम ऑलराउंडर है। हर काम करने में मम्मी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दीवार जहाँ से भी एकदम काली काली सी लग रही थी तो मम्मी खुद ही पेंट करके दिखाने लग गई कि यहाँ पे ऐसा बार बार पेंट करने से शायद वो कलर दब जाए। मम्मी जाने वाली थी और फिर मम्मी का मन नहीं माना कि नहीं मैं पेंट करके रहूँगी, फिर पेंट करने लग गई। तो गाइस दीवार इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि मेरी मम्मी को दोबारा पेंट करना पड़ रहा है। है ना मम्मी, कितना ज़्यादा ख़राब कर दिए ना उन लोग। आज पूरा पेंट करके जाएगी ना। तो अभी बस ऐसे ही सुबह से यही सब काम हो रहा है। ऊपर का भी पूरा काम बचा हुआ है, बर्तन झाड़ू पोछा, तो वो सारी चीजें करनी है। मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है तो मेरा ब्रेकफास्ट भी करना है। तो गाइज आप देख सकते हो कि दीवार में डबल कोट हो चुका है, फिर भी दीवार इतना गंदा हो गया है ना कि अब क्या ही कर सकते हैं। तीन चार कोट मारेंगे तो भी ये दीवार कवर नहीं होगी। जब आप किसी के भी घर में रेंट में रहते हो और वहाँ बच्चे हैं, चलो ठीक है, लेकिन दीवार खराब करने से रोकना तो चाहिए ना। इतना गंदा कर दिए, इतना गंदा कर दिए, नुकसान किसका होता है, दूसरे का होता है ना। मेहनत लग रही है दीवार को पेंट करने में, डबल कोट हो गया पर फिर भी से इसका पेंसिल जा ही नहीं रहा है। पता नहीं पेंसिल है कि क्या है, पूरा दीवार खराब करके चले गए हैं। खुल गई है और यहाँ पर बैठी भी है, देख ना आराम से। अभी हो चुका है शाम का टाइम और आज तो मेरे को सोने भी नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा काम था करने को, तो बहुत लेट भी हो गया। और वीडियोस वगैरह भी मैं एडिटिंग कर रही थी क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग बनाया था, तो बस एडिट करके मैंने रख दिया है और अब वो कल अपलोड होगा। सबसे बुरी बात कि हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो चुकी है। बहुत साल हो चुके हैं वॉशिंग मशीन को, तो वॉशिंग मशीन में कभी भी तो कोई खर्चा आया नहीं, बट अब अचानक से ख़राब हो गई है। तो मैंने YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि वो ऐसे भी चालू हो सकती है, तो बस मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि एक बार वॉशिंग मशीन हम चेक कर लेते हैं, अगर हो गई तो ठीक है, वरना वॉशिंग मशीन वाले रिपेयरिंग वाले लोगों को बुलाना पड़ेगा, एक बार दिखा देंगे, अगर कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं होगा, मीन्स ज़्यादा खर्चा नहीं होगा तो हम बनवा लेंगे, क्योंकि हमने कभी वॉशिंग मशीन किसी को नहीं दिखाया है और कभी ख़राब ही नहीं हुई। अगर ज़्यादा खर्चा हुआ तो लेनी पड़ेगी न्यू वॉशिंग मशीन। वैसे मैं सोची थी कि मैं एक या दो साल तक वॉशिंग मशीन नहीं लेना चाहती थी। क्यों नहीं लेना चाहती थी वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट देखते हैं अगर वॉशिंग मशीन हमसे बन जाए तो। एंड आप सोच सकते हो कि मैंने तीन या चार दिन पहले पूरे हफ्ते भर का कपड़ा मैंने पूरा हाथ से धोया, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में पूरा पानी भर दिया, मैंने उस पर टाइट डाल दिया और जब उसे घुमाने की बारी आई तब पता चला कि वो घूमी। मैंने सारे कपड़े को पहले से भिगा दिया था तो मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े और मुझे 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा। मेरी कमर में दर्द, एक तो वैसे ही काम और ऊपर से और इतना सारा काम। तो फिलहाल देखते हैं अगर चालू हो जाए तो, भगवान प्लीज चालू हो जाए मेरी वॉशिंग मशीन।
तो गाइज मैं आ चुकी हूँ छत पे। वॉक करने का टाइम हो चुका है, 6:15 हो गई है और मैं जल्दी जल्दी से वॉक करूँगी। मेरे हस्बैंड फिलहाल अभी थोड़ी देर सो रहे हैं तो वो भी वॉशिंग मशीन देखने के लिए आएंगे अगर उनसे खुल जाए तो। तो ये है हमारी छत का नज़ारा, अब यहाँ पे करने वाली हूँ मैं वॉक। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वॉक। अभी हो रहा है रात के 9 बजे का टाइम, तो बस अब मुझे खाना बनाना है तो वो तो आधे घंटे में बन जाएगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई व्लॉग का एंड करने में, वैसे तो मैं पहले कर चुकी रहती बट आज मैंने अपनी पुरानी फ्रेंड मतलब जो पड़ोसी पड़ोसी वाली फ्रेंड होती है ना, तो वो वाली फ्रेंड से आज मैंने 1 से 1.5 घंटे बात किया। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं गई हुई थी अपनी बुआ के घर पर, और मेरी बुआ के घर पर मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा रेंट पर रहते। बुआ के घर पर अंकल आंटी आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने ही मेरी फ्रेंड का नंबर मुझे दिया। तो आज ही हमने बात की और इतनी सारी पुरानी पुरानी बातें करी। मीन्स हम जब छोटे थे तो कैसे खेलते थे, कितने बजे तक के हम घर से बाहर। पहले का टाइम बच्चों का बहुत अलग होता था, आपके बच्चे तो टीवी मोबाइल पे ही रहते हैं, खेलते नहीं है, बट हम उस टाइम पे सारे गेम्स खेला करते थे, गली गली में छुपन छुपाई खेला करते थे। अगर अब कभी भी मैं अपनी फ्रेंड लोग से मिलने जाऊंगी, वैसे तो जाती हूँ बट मैं व्लॉग नहीं बनाती, बट अब कभी भी मैं मिलने जाऊंगी तो आप लोगों को उनसे भी बहुत सारी बातें पूछूंगी, बताने को बोलूंगी जैसे हम पहले थे। तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कल के ब्लॉग में एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि कल के ब्लॉग में भी मैं कुछ बताने वाली हूँ। अभी तक कितना भी पेंट हुआ है वो मैं आपको कल दिखा दूंगी। नहीं नहीं कल ना जब पूरा हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पेंट कराया हुआ है, तब फिर आपको देखने में समझ आएगा कि पहले कैसा था और अब कैसा है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बनके की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो मैं अब उनके लिए तो डेली डेली ब्लॉग डालूंगी, और आगे के ब्लॉग्स में तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नई मिलने वाली है, मीन्स दिखने वाली है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकॉन को भी हिट कर, मैं जब भी अपना न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसकी आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रिजेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइस।